आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, वो तो सवाल में दिया गया है कि दोनों सिरों पर कसी एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है, तब इनमें से कौन सा सही होगा, ये हमसे पूछा गया है। अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में ये डोरी है, ये दो दृढ़ आधारों से मिलकर के ये इस तरीके से तनी हुई बांधी गई है ना। अब जब इसके अंदर जो पहली अप्रगामी तरंग बनती है उसका जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि जिन दो दृढ़ आधारों पर बनी हुई है यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, निष्पंद, है ना। इन दोनों पर तो हमेशा निष्पंद ही बनेगा, है ना। ये होती है मेरे पास में एन बराबर एक पर। अगर मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, एल है ना। ये वाली लंबाई अगर एल है ना, तो एल बराबर किसकी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से एल छोटा वाला ले लीजिए क्योंकि छोटा वाला लिया है हमने। ये वाली जो एल है तो वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यानी कि किसके बराबर हो जाएगी, लैम्ब्डा बटे दो के। ठीक है, अब जो अगली स्थिति आती है, अगली स्थिति में ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अगली स्थिति में किस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि ये वाली हो गई। ठीक है, फिर से वापस वही दो दृढ़ आधार यहाँ पर तो क्या बनने वाले हैं बच्चों, हमेशा निष्पंद बनने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इसकी स्थिति हो जाएगी वो कुछ ऐसे करके हो जाएगी, ये ऐसे करके जाएगी, है ना। अगली स्थिति जो है वो ऐसे करके तो होती है ना, ये ऐसे करके जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है निष्पंद है, यहाँ पर भी एक निष्पंद आ गया, यहाँ पर एक निष्पंद आ गया, बीच में प्रस्पंद है, या यहाँ पर प्रस्पंद था जिसको हम लोग ए या किसी से भी एंटी नोड वगैरह या प्रस्पंद ए से लिख दीजिए, ये लिखिए, ये यहाँ पर भी ए है यहाँ बीच में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वाली जो लंबाई है ये एल, आपकी बात एल किसके बराबर होगी बच्चों, एल हो गई हमारे पास में ये लैम्ब्डा बटे दो, लैम्ब्डा बटे दो यानी कि पूरी की पूरी लैम्ब्डा के बराबर हो गई, है ना। ये किसके लिए होगी, एन बराबर दो के लिए। तो एन बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एल बराबर ये दो लैम्ब्डा बटे, है ना, दो लैम्ब्डा बटे दो कर सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एल दो लैम्ब्डा, है ना, या फिर ऐसे करके रहने दीजिए, हम लोग यहां पर देखते चले जाते हैं कि ये हाँ 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 हाँ, इसको तो यहाँ का यही ऐसा कैसे ही रहने दो, ये लीजिए, ये लैम्ब्डा बटे दो, है ना। तो ये जो है बच्चों लैम्ब्डा बटे दो इंटू एक कर सकता हूं इसको, और इसको कैसे लिख सकता हूं, दो इंटू लैम्ब्डा बटे दो, यानी कि एन बराबर दो के लिए हमारे पास में ये इतना आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर जो तीसरी स्थिति आएगी हमारे पास में, वो तीसरी स्थिति कुछ इस तरीके से है, यानी कि इन दोनों सिरों पर तो हमेशा क्या बनने वाला है बच्चों, हमारा नोड यानी कि निष्पंद बनने वाला है। तो जो अगली स्थिति आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। ये ध्यान से देखिए बच्चों, यानी कि हर एक बार में जो है एक लूप बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं इस स्थिति में देखूं तो ये वाली जो पूरी की पूरी एल है आपकी बार मेरी, ये एल वो बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, किसके बराबर आ रही है, थ्री लैम्ब्डा बटे दो के बराबर आ रही है, है ना। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, लैम्ब्डा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा दो एल, है ना, और बटे कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, हाँ, दो एल बटे तीन आ जाएगा, है ना। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए, ये लैम्ब्डा का जो मान आ रहा है मेरे पास में यहां से, या फिर यहीं से निकाल लीजिए, ये यहां से जो है मेरे पास में लैम्ब्डा का जो मान आया, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, ये है मेरे पास में इसको, नहीं तो ऊपर वाले को लिख लीजिए, ये ऊपर वाला जो है हमारे पास में, देखिए बच्चों, इसको जो है इसमें, इसमें एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं तीन लैम्ब्डा बटे दो। ये किसके लिए आया, एन बराबर तीन के लिए, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो लैम्ब्डा बटा दो इंटू एक, एन बराबर एक के लिए लैम्ब्डा बटे दो इंटू दो, लैम्ब्डा बटे दो इंटू तीन, ये ऐसे करके आ रहा है। अगर मैं एन लूप के लिए निकालूं तो एन लूप के लिए जो आ जाएगी हमारी एल लंबाई, है ना, एल वो बराबर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एन लैम्ब्डा बटे दो के आ जाएगी, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से जो है मेरे पास में लैम्ब्डा का मान क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा का मान आ जाएगा दो एल बटे एन, है ना, इतना ही आ जाएगा ना। तो यही बच्चों हमारे लिए इसका उत्तर है, अरे रे, ये जो है बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दो एल बटे एन, है ना। तो जो हमारे विकल्पों में देख लेते हैं, दो एल बटे एन जो स है हमारा, वो एकदम सही जवाब है बच्चों। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।